आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जहाँ से पहले आपको सिंपली एक ही ऑप्शन दिया जाता था, वो भी अलावा फ्रेंड अब आधार कार्ड का नंबर डाल के भी अपने पिन को या तो रीसेट द फर्स्ट सिक्स डिजिट आधार नंबर, यानी आपको अपने आधार कार्ड दे सकते हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आधार ओटीपी के थ्रू भी पिन कार्ड को बनाना चाहे तो आप यहीं से पिन बना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, बिना एटीएम कार्ड के अगर आप फोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, साथ ही साथ न्यू यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं या यूपीआई पिन को आप रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड डिटेल में कैसे आप फोन पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके साथ ही साथ फ्रेंड न्यू बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करेंगे, अगर आपने पहले से बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा हुआ है फ्रेंड तो आप उसे पुनः कैसे ऐड करेंगे, न्यू यूपीआई पिन कैसे क्रिएट करेंगे आधार ओटीपी यानी विदाउट आधार एटीएम के, साथ ही साथ फ्रेंड आप उसमें से ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे और इसकी और सर्विस के बारे में डिटेल में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी एसबीआई में अकाउंट है या फिर किसी अदर बैंक में अकाउंट है और आप बिना आधार ओटीपी के या फिर बिना एटीएम कार्ड के आप यहां से फोन पे बनाना चाहते हैं और न्यू फोन पे क्रिएट करके अपना इसे यूज करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको यहीं से सर्च करना है, फोन पे को भी आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली से ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां से मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा 4 डिजिट का फ्रेंड, आपको ओटीपी यहां से फिल करना है एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, फिर आप इसकी लोकेशन को परमिशन को अलाउ कर देना, जितने भी परमिशन मांगेगा ऑल परमिशन को आपको ऐसे सिंपली अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। जब फ्रेंड आप यहां से सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट को क्रिएट किया हुआ तो यहीं से आपकी यूपीआई आईडी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां से आप अपनी यूपीआई आईडी को देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड अभी से आपको जो भी आपकी यहीं से पिन मिल जाएगी आपको प्रोफाइल, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां से देख सकते हैं पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया जाता है, यहीं से ऐड टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली ऐड टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा सभी बैंकों की लिस्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी बैंक लिंक रहेगा आप इस पर क्लिक करके उस बैंक का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, चाहे जो भी बैंक हो फ्रेंड, जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च करते हैं तो हम सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे। फिर आपके अकाउंट के जो भी फ़ोन नंबर उसके साथ कितने बैंक अकाउंट लिंक है उसकी डिटेल आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि फ्रेंड फिलहाल मेरे के साथ एक ही यहीं से अकाउंट लिंक है जो कि स्टेट बैंक का है, अगर आप एक से ज़्यादा आपका जो नंबर है स्टेट बैंक के अकाउंट में लिंक होगा तो अब मल्टीपल आपको अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर फ्रेंड आपने यूपीआई क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको यहीं से यूपीआई क्रिएट का ऑप्शन आएगा, अगर आपने यूपीआई को क्रिएट कर लिया है तो आपको फिर यहीं से फ्रेंड यूपीआई रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ से यूपीआई रीसेट का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये फ्रेंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अब आधार कार्ड के थ्रू ही अब अपने यूपीआई को रीसेट करने का ऑप्शन दिया, यानी विदाउट एटीएम कार्ड के भी अपने यूपीआई को रीसेट या यूपीआई आईडी क्रिएट कर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे आप यहाँ से रीसेट यूपीआई या फिर न्यू यूपीआई पिन क्रिएट करने पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जहाँ से पहले आपको सिंपली एक ही ऑप्शन दिया जाता था, वो भी फ्रेंड आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपने पिन को या तो आप रीसेट कर सकते थे या फिर न्यू पिन क्रिएट कर सकते थे। अब आप यहां से देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जहां डेबिट कार्ड के अलावा फ्रेंड अब आधार कार्ड का नंबर डाल के भी अपने पिन को या तो रीसेट कर सकते हैं या फिर न्यू पिन को क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ से जैसे ऑलरेडी देख सकते हैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है। इन्होंने बताया भी है कि मोबाइल नंबर शुड बी द सेम फॉर आधार एंड बैंक, यानी जो आपका मोबाइल नंबर है वो सेम नंबर आपके आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कलेक्ट आधार कार्ड के नंबर्स ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, फिर इसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा। हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहाँ से बोला जाएगा कनेक्ट किया जाएगा। फिर कनेक्ट करने के बाद फिर यहीं से देख सकते हैं बोला जाएगा इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट आधार नंबर, यानी आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहां से फिल करना, तो हम चलिए फर्स्ट 6 डिजिट को फिल कर देते हैं। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं हमने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट को फिल कर दिया, यानी 6 अंक को फिल कर दिया। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अलाउ मांगेगा परमिशन एसएमएस के लिए, तो हम यहां से अलाउ कर देंगे।
फिर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार OTP सेंड किया जाएगा। इस प्रकार आप यहां से देख सकते हैं, बताया जा रहा है आपके आधार कार्ड में OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको फिल करके ओके करना है। अब हमने यहां से देख सकते हैं आधार OTP को फिल कर दिया, हम यहां से सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इस प्रकार आ जाएगा फ्रेंड, फिर यहीं से बोला जाएगा 6 डिजिट का आपको पिन क्रिएट करना है, तो हम 6 डिजिट का पिन क्रिएट करेंगे। फिर आपको यहीं से पिन को कन्फर्म कर देना है, फिर जैसे कन्फर्म होगा फिर आपको प्रोसीड कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर आपकी पिन इस प्रकार सक्सेसफुली यहीं से चेंज हो जाएगी और रीसेट भी हो जाएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहीं से देख सकते हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आधार OTP के थ्रू भी पिन कार्ड को बनाना चाहे तो आप यहीं से पिन बना सकते हैं UPI पिन को, जिसका मैंने लाइव प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया हुआ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, थोड़ी बहुत जानकारी मिली, तो आपको वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं आपके लिए जितने भी हेल्पफुल वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। एक नॉलेजबल टॉपिक के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक।